हेलो गाइस, आज बनाऊंगा मैं फाफा चिकन। तो ये लिया हमने थाई थाई से हम बोन प्लस फैट निकाल देंगे। ये हमने फैट निकाला और इसके बाद छोटे छोटे क्यूब में काटेंगे। आप देख सकते हैं, और ये हमने इसी प्रकार पूरी थाई क्यूब में काट दी। गलंगल लिया, गलंगल को फाइन चॉप कर देंगे। इसके बाद लेमन ग्रास को भी हम फाइन चॉप करेंगे, और लेमन ग्रास को हमने फाइन चॉप कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फाइन चॉप हो गया है, और इसमें हम लेमन लीफ भी फाइन चॉप कर देंगे। ये लिया हमने कोकोनट मिल्क, इसमें गर्म पानी डाला, और ये हमने रेड करी पेस्ट लिया और ये बेसिल चॉप किया था, यहाँ पर मिलाया। कोकोनट मिल्क को हम अच्छे से घोलेंगे गर्म पानी के साथ। ये हमने ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम अच्छे से साफ किया, ग्रीन कैप्सिकम पूरी जगह काटा और चॉप करेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चिकन में हम रेड करी पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद थाई हब्स, एग, और इसमें डालेंगे चिल्ली पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर, मैदा फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हल्का सेसमी ऑयल और वाइन और कॉर्नफ्लोर में चिकन के क्यूब को हम डालेंगे, और इसके बाद इनको हम अच्छे से प्रेस करेंगे, बाउल टाइप के बनाएंगे, और इसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम सारा डीप फ्राइड करेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे सॉस, फाफा सॉस। ये डाला हमने ऑयल, गार्लिक, जिंजर, ड्राई रेड चिल्ली, थाई हब्स, और बढ़िया से भुनेंगे। और इसके बाद हमने डाला रेड करी पेस्ट, टमाटो केचप, चिल्ली पेस्ट, हल्का चिल्ली पेस्ट और डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे। आप देख सकते हैं चिल्ली ऑयल्स, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कोकोनट मिल्क। एक कोकोनट मिल्क डाला और बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसके बाद एरोमेट पाउडर, सॉल्ट, विनेगर, आप चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं, कुकिंग वाइन, रेड येलो बेल पेपर्स, और स्किलिन स्प्रिंग ऑनियन, और हमारा चिकन भी फ्राई हो गया है। और चिकन ऐड करेंगे और टॉस करेंगे, और ये हमारा फाफा चिकन तैयार है, और इसको प्लेटिंग में अच्छे से डालेंगे। आप देख सकते हैं, और ये हमने प्लेटिंग में डाला। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऊपर से डाला हमने फ्राइड बेसिल।
एंड स्प्रिंग अनियन।